खंड सूत्र या सेक्शन फार्मूला। तो उस बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात करना है जो बिंदुओं x1, y1, z1 तथा x2, y2, z2 को मिलाने वाली रेखा m1 अनुपात m2 के अनुपात में बांटता है। तो जो उस बिंदु का निर्देशांक होता है वो होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये इसका x निर्देशांक। इसका y निर्देशांक m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। और इसका z निर्देशांक m1 z2 प्लस m2 z1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये उस बिंदु का निर्देशांक है जो कि x1 y1 z1 और x2 y2 z2 को मिलाने वाली रेखा को m1 अनुपात m2 में विभाजित करती है। तो इसमें कुछ विशेष स्थिति देखते हैं कि यदि P x1 y1 z1 है और Q x2 y2 z2 है, तो इनके मध्य में अगर बिंदु R है तो इसका मतलब यह कि m1 और m2 बराबर होंगे। तो यदि सूत्र का उपयोग किया जाए x m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, तो चूंकि m1 और m2 बराबर है, अंश और हर से वो कॉमन आकर के कैंसिल हो जाएगा और हमें मध्य बिंदु का निर्देशांक मिलेगा x1 प्लस x2 अपॉन 2। इसी प्रकार y y1 प्लस y2 अपॉन 2 और z z1 प्लस z2 अपॉन 2। तो अतः बिंदु P x1 y1 z1 तथा Q x2 y2 z2 को मिलाने वाली सरल रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक हैं x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2 और z1 प्लस z2 अपॉन 2। इसमें विशेष स्थिति आती है जब R PQ को बाह्यतः विभाजित करता है, अर्थात अब बिंदु R P और Q के बीच में उपस्थित ना होकर कहीं बाहर उसी सरल रेखा पर स्थित है। तो इसका मतलब यह कि जो अनुपात है M1 अनुपात M2, यह अनुपात अगर आपको ऋणात्मक चिन्ह दिया गया है तो आप उसको समझ जाइए कि बाह्यतः विभाजन किया गया है, या फिर अगर आप विभाजन सूत्र का उपयोग करके सरल करते जा रहे हैं और आपको अनुपात M1 अनुपात M2 ऋणात्मक आ रहा है तो यह समझ जाइए वहां पर बाह्यता विभाजन किया गया है। तो इसे हम लिखेंगे कि यदि R PQ को बाह्यता विभाजित करता है तब x बराबर M1 X2 माइनस M2 X1 अपॉन M1 माइनस M2, या फिर इसका क्रम बदल करके भी लिखा जा सकता है, वो होगा M2 X1 माइनस M1 X2 अपॉन M2 माइनस M1। तो जिस ऑर्डर में x का निर्देशांक आप लिख रहे हैं उसी ऑर्डर में y और z का भी निर्देशांक आपको लिखना होगा। तो इस प्रकार हम लिखेंगे y m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2, और इसका z निर्देशांक होगा m1 z2 माइनस m2 z1 अपॉन m1 माइनस m2। चित्र में कुछ इस प्रकार इसे देख करके समझ सकते हैं, यहां पर R P और Q के बाहर उसी सरल रेखा पर स्थित है। त्रिभुज का केंद्रक, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक A x1 y1 z1, B x2 y2 z2 तथा C x3 y3 z3 हो, तो इसके केंद्रक के निर्देशांक x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 और z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3 होते हैं। तो चलिए इसका प्रमाण देखते हैं कि माना ये एक चित्र बना हुआ है जिसमें A x1 y1 z1, B x2 y2 z2 और C x3 y3 z3 यह निर्देशांक दिया गया है। अब माना त्रिभुज ABC में भुजा BC का जो मध्य बिंदु है D, इसको हम त्रिभुज के शीर्ष A से मिला देते हैं, तो D का जो निर्देशांक होगा ये x2 प्लस x3 अपॉन 2, y2 प्लस y3 अपॉन 2 और z2 प्लस z3 अपॉन 2 होगा। माना कि त्रिभुज का जो केंद्रक है यह G है। G AD को 2:1 में विभक्त करता है, तब G के निर्देशांक हम लिखेंगे 2 इंटू x2 प्लस x3 अपॉन 2 प्लस 1 इंटू x1 अपॉन 2 प्लस 1। इसी प्रकार
2 इंटू वाई टू प्लस वाई थ्री अपॉन टू प्लस 1 इंटू वाई वन अपॉन टू प्लस 1, और z निर्देशांक 2 इंटू जेड टू प्लस जेड थ्री अपॉन टू प्लस 1 इंटू जेड वन अपॉन टू प्लस 1। सरल करने पर हमें मिलेगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 और z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3। यही त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक है। चतुष्फलक टेट्राहेड्रॉन, यह चार त्रिभुजीय समतलों से घिरी हुई आकृति है। इनमें से सभी एक ही बिंदु से नहीं गुजरते हैं। इसके चार फलक होते हैं, त्रिभुज ए सी डी, त्रिभुज ए डी बी, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज बी सी डी। आप चित्र से देखकर समझ सकते हैं। इसकी छह कोरे हैं, यह है ए सी, सी डी, डी ए, ए बी, बी सी तथा बी डी। प्रत्येक कोर चार समतलों में से दो समतलों की प्रतिच्छेद रेखा होती है। इसमें विपरीत कोरों के तीन जोड़े होते हैं, वे कोरें विपरीत कोर कहलाती है जो कहीं नहीं मिलती है। ये जोड़े कुछ इस प्रकार हैं, ए बी तथा सी डी, बी सी तथा ए डी और बी डी तथा ए सी। चतुष्फलक का केंद्रक जी इसके किसी शीर्ष को सम्मुख फलक के केंद्र से मिलाने वाली रेखा को 3:1 के अनुपात में बांटता है। इस प्रकार यदि G1 त्रिभुज BCD का केंद्र है, तब G जो चतुष्फलक ABCD का केंद्रक है, AG1 को 3:1 के अनुपात में विभाजित करेगा, अर्थात AG अपॉन GG1 इक्वल टू 3:1। चतुष्फलक के केंद्रक के निर्देशांक जिसके शीर्ष x1, y1, z1, x2, y2, z2, x3, y3, z3 एवं x4, y4, z4 हो, इसे हम g से प्रदर्शित करेंगे और यहां पर भी सभी x निर्देशांकों का योग उसको 4 से भाग देंगे, उसी प्रकार y और z निर्देशांक मिलेगा। अर्थात g के निर्देशांक होंगे x1 plus x2 plus x3 upon 4, y1 plus y2 plus y3 plus y4 upon 4, z1 plus z2 plus z3 plus z4 upon 4। उस त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक जिसके शीर्ष x1, y1, z1, x2, y2, z2 एवं x3, y3, z3 है, इसका निर्देशांक होगा x1 plus x2 plus x3 upon 3, y1 plus y2 plus y3 upon 3 और z1 plus z2 plus z3 upon 3। तो चलिए देखते हैं आगे इससे संबंधित कुछ प्रश्न। तो अगला प्रश्न देखते हैं, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु ऋण 2, 2, 3 तथा 13, ऋण 3, 13 को मिलाने वाली रेखा को 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। चूंकि यहाँ पर प्रश्न में दे दिया गया है कि अंतः विभाजित करता है, अगर यह शब्द नहीं दिया जाता कि अंतः विभाजित करता है, तो अनुपात में जो दिख रहा है 2:3 उसमें ऋण चिन्ह लगा होता। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो जो दो बिंदु हैं उसे हम मानेंगे कि माना दो बिंदुओं, पहला बिंदु है ए, ये ऋण 2, 2, 3 तथा बी 13, ऋण 3, 13 को मिलाने वाली रेखा को 2:3 में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। एक्स वाई जेड है। अब इसके लिए एक रफ स्केच बना लेते हैं। मान लेते हैं कि ये बिंदु ए है, ये ऋण 2, 2, 3 और ये बिंदु है बी 13, ऋण 3 और 13।
इसके बीच में कहीं पर एक बिंदु है P, इसके बीच में कहीं पर एक बिंदु है P, ये एक्स वाई जेड है और जो कि इसको 2:3 में विभक्त करती है। तब यहाँ से यहाँ तक का जो अनुपात, ये दूरी है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी का अनुपात 2:3 है। तो चूंकि यह अंतःविभाजन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्स वन ये -2, वाई वन 2, जेड वन 3, इसी तरीके से एक्स टू 13, एक्स टू 13, वाई टू -13 और जेड टू 13। तो इसे हम लिख सकते हैं कि यहाँ एक्स वन इक्वल टू -2, वाई वन इक्वल टू 2, जेड वन इक्वल टू 3 और एक्स टू इक्वल टू 13, वाई टू इक्वल टू -3 और जेड टू इक्वल टू 13। और एम वन मान लेते हैं कि ये 2 है और जो एम टू है ये 3 है, ये दोनों चीज़ें मिल गई है। अब हम अंतःविभाजन का सूत्र लगाएंगे। अंतःविभाजन सूत्र से x का जो निर्देशांक है ये होगा m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2 या फिर m2 प्लस m1, ऐसा आप कर सकते हैं। m2 दैट इज 3, x1 दैट इज -2 प्लस m1 2 x2 इज 13 अपॉन m2 प्लस m1, तो 3 प्लस सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा -6 प्लस 26 अपॉन 5, सॉल्व करने पर आएगा 20 अपॉन 5 और जब सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 4। इसी तरीके से y इक्वल टू m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m2 प्लस m1, तो 3 इंटू y1 दैट इज 2, m1 दैट इज 2, y2 दैट इज -3 अपॉन 3 प्लस 2। इसको सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 6 -6 अपॉन 5 और सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा 0। इसी तरीके से z इक्वल टू m2 z1 प्लस m1 z2 अपॉन m2 प्लस m1 इक्वल टू m2 दैट इज 3, z1 दैट इज 3 प्लस m1 दैट इज 2 और z2 दैट इज 13 अपॉन 3 प्लस 2। सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 3 इंटू 3 9 और ये 26 अपॉन 5, सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 35 अपॉन 5 और ये इक्वल टू 7। तो हमें जो बिंदु का निर्देशांक चाहिए था तो इसे हम लिखेंगे कि अभीष्ट बिंदु P के निर्देशांक x कोऑर्डिनेट जो आया ये 4, y कोऑर्डिनेट है 0 और z कोऑर्डिनेट है 7। अगला प्रश्न दिया गया है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3:1-3 तथा 3:4-2 को मिलाने वाली रेखा को 1:2 के अनुपात में बाह्यतः विभाजित करता है। तो यहाँ पर भी शब्दों में दे दिया गया है कि बाह्यतः विभाजित करता है। तो पुनः पिछले प्रश्न की भांति यहाँ पर भी हम दोनों बिंदुओं को निर्देशांक को ए और बी मानेंगे और जो अभीष्ट बिंदु है उसे पी एक्स वाई जेड मानेंगे और फिर बाह्य विभाजन का सूत्र का उपयोग करेंगे और फिर आगे इसे हल करेंगे। तो इसे लिख रहे हैं कि माना पी एक्स वाई जेड ए 3:1-3 और बी 3:4-2 को मिलाने वाली रेखा को 1:2 में बाह्यतः विभाजित करती है। तो ये मान लेते हैं कि ये बिंदु है ए 3:1-3, ये एक रफ स्केच बना रहे हैं हम, और दूसरा है बी 3:4-2 और इसके बाद में कहीं पर एक बिंदु है पी
जो कि बाह्यतः उपस्थित है। तो ये जो अनुपात बन रहा है ये 1:2 में विभक्त करता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि x1 = 3, y1 = 1, z1 = -3। इसी तरीके से x2 = 3, y2 = -4 और z2 = 2। और इसके साथ ही हम m1 और m2 निकाल सकते हैं, m1 1 है और m2 2। अब बाह्य विभाजन सूत्र का उपयोग करेंगे। बाह्य विभाजन सूत्र से x जो होगा ये होगा m2x1 - m1x2 / m2 - m1। m2 का मान है 2, x1 इसका मान है 3, माइनस m1 इसका मान है 1 और x2 का मान है 3 / 2 - 1। सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 6 - 3/1, दैट इज 3। इसी तरीके से y = m2y1 - m1y2 / m2 - m1। m2 दैट इज 2, y1 ये 1 है, फिर m1 का मान फिर 1 है और y2 का मान है -4 / 2 - 1। सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 2 माइनस और माइनस प्लस 4 अपॉन 1, दैट इज 6। और इसी तरीके से z = m2z1 - m1z2 / m2 - m1। ये 2 - 1 2, z1 दैट इज -3 माइनस m1 ये 1 है और z2 का मान है 2। आगे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा -6 - 2/1, दैट इज -8। तो इसे हम लिखेंगे कि अभीष्ट बिंदु, जो बिंदु का निर्देशांक निकालना था ये है 3, 6 और ये ऋण 8 ये है। अगला प्रश्न है, वह बिंदु ज्ञात कीजिए जहाँ बिंदुओं 2, 1, 3 तथा 4, -2, 5 को मिलाने वाली सरल रेखा समतल 2x - y - z = 3 से मिलती है। तो पहली बात यह कि ये 3-डायमेंशनल स्पेस पर यह घटना हो रही है और एक समतल का समीकरण दिया गया है। तो आप ऐसा मानिए कि एक समतल के एक तरफ एक बिंदु है और उसके दूसरी तरफ दूसरी बिंदु है, तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने पर एक ऐसा बिंदु है जो कि उस समतल पर स्थित है, तो उस बिंदु का निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। तो इसमें हम यह मान करके चलेंगे कि ये m1 अनुपात m2 में विभक्त करती है और फिर अंतःविभाजन सूत्र का उपयोग करेंगे और फिर इसे आगे सरल करेंगे। तो इसे हम लिख रहे हैं कि माना समतल, अब समतल का जो समीकरण क्या है, 2x + y - z = 3 पर अभीष्ट बिंदु, जिस बिंदु का निर्देशांक निकालना है, मान लेते हैं कि ये PXYZ है जो बिंदुओं, मान लेते हैं कि A ये पॉइंट है 2, 1, 3 तथा दूसरा बिंदु है B 4, -2, 5 को मिलाने वाली सरल रेखा को m1 अनुपात m2 में विभक्त करती है। अब हम लोग यहां पर अंतःविभाजन सूत्र का उपयोग करेंगे। अंतःविभाजन सूत्र से यहां पर हम एक दो चीज और लिख सकते हैं। यहां पर x1 का जो मान है ये 2 है, y1 का मान है 1, z1 का मान है 3, x2 का मान है 4, y2 का मान है -2 और z2 का मान है 5। तो अंतःविभाजन सूत्र का जो उपयोग करेंगे तो हम लिखेंगे x = m2x1 + m1x2 / m2 + m1। तो यहाँ पर हमें m1 अनुपात m2 ही निकालना है, तो m2 तो उसी तरीके से रहेगा, जो x1 का मान है
ये है 2 प्लस एम वन एक्स टू, एक्स टू का मान है 4 अपॉन एम टू प्लस एम वन, या फिर इसे आप सरल करके लिख सकते हैं 4 टाइम्स एम वन प्लस 2 टाइम्स एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू। मान लेते हैं ये हमें जो बिंदु मिल गया या x का निर्देशांक है। इसी तरीके से y इक्वल टू एम टू वाई वन प्लस एम वन वाई टू अपॉन एम टू प्लस एम वन, ये है एम टू वाई वन, वाई वन जो है ये एक है, प्लस एम वन वाई टू, वाई टू माइनस टू है तो ये माइनस टू एम वन अपॉन एम वन प्लस एम टू। अब ये हो गया माइनस टू एम वन प्लस एम टू डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू। इस तरीके से बिंदु Z जो है ये होगा एम टू जेड वन प्लस एम वन जेड टू अपॉन एम टू प्लस एम वन। एम टू जेड वन ये है 3 प्लस एम वन जेड टू ये है 5 अपॉन एम वन प्लस एम टू। सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 3 टाइम्स एम वन प्लस 5 टाइम्स एम वन प्लस 3 टाइम्स एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू। अब चूंकि यह बिंदु कौन सा बिंदु, जो बिंदु का निर्देशांक हमें मिला है यह है 4 एम वन प्लस 2 एम टू डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू, फिर माइनस टू एम वन प्लस एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू, और 5 एम वन प्लस 3 एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू। ये समतल पर स्थित है। समतल का जो समीकरण क्या है 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 3 पर स्थित है। अतः बिंदु के निर्देशांक समतल के समीकरण को संतुष्ट करेगा। अब करेंगे क्या, ये जो पॉइंट हमें मिला है इसको x के स्थान पर ये वाला कोऑर्डिनेट, y के स्थान पर ये वाला, और z के स्थान पर ये वैल्यू हम पुट कर देंगे और सॉल्व करेंगे तो हमें m1 अनुपात m2 ये हमें मिल जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए उसमें यह मान रख देते हैं 2 इंटू एक्स वन, 2 इंटू x, और x का मान हमें प्राप्त हुआ है 4 m1 प्लस 2 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, फिर प्लस y, और y का जो कोऑर्डिनेट हमें मिला था ये माइनस टू एम वन प्लस एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू, और इसी तरीके से माइनस जेड, माइनस जेड तो ये है माइनस, और 5 एम वन प्लस 3 एम टू डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू, और इसका मान 3 प्राप्त हुआ था। तो आगे सरल करते हैं, जस्ट ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, और इसका जो लघुत्तम समापवर्ती है ये m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 ही प्राप्त होगा। तो इसको आगे गुणा कर रहे हैं, 4 और 2 का गुणा करेंगे 8, 2 और 2 का गुणा करेंगे 4, फिर ये ऋण 2 m1 धन m2 ऋण 5 m1 ऋण 3 m2 बराबर 3, और ये m1 प्लस m2 को गुणा कर देंगे आगे चल करके तो ये 3 m1 m2 हमें मिल जाएगा। अब सभी पदों को एक तरफ ले आते हैं, या फिर आप m1 को एक तरफ और m2 को दूसरी तरफ ले लेते हैं। तो चलिए पहले सरल कर लेते हैं, ये 8 में 2 घटाएंगे मिल जाएगा 6, 6 में 5 घटाएंगे मिल जाएगा 1, तो इस तरीके से लेफ्ट साइड पर आपको मिल रहा है m1। इसी तरीके से इसको यदि लेफ्ट साइड पे ले आएँ तो ये मिल जाएगा 3m1। अब ये 4 m2 है, 4 प्लस 1 5, 5 में 3 सब्सट्रैक्ट करेंगे मिल जाएगा 2m2, तो राइट साइड में ले जा करके माइनस 2m2 कर देते हैं और ये प्लस 3m2 राइट साइड पर है। सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा माइनस 2m1 इक्वल टू m2, या फिर यहाँ से आप लिख सकते हैं
एम वन अपॉन एम टू इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू। तो माइनस वन अपॉन टू का मतलब है कि यह जो विभाजन आ रहा है ये अंतःविभाजन ना हो करके बाह्य विभाजन है। अब आपको जो बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना था x इक्वल टू ये आपका है 4 टाइम्स m1 प्लस 2 टाइम्स m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ से जब आप मान लेंगे ये किसी कांस्टेंट k के बराबर है तो m1 इक्वल टू आपको मिल जाएगा माइनस k और m2 इक्वल टू मिल जाएगा 2k। तो जब आप ये वैल्यू पुट करेंगे अंश और हर में m1 m2 दोनों एक साथ हैं तो इस वजह से वैल्यू पुट करने के बाद जो k k है वो अंश और हर से कैंसिल हो जाएगा। तो डायरेक्टली आप पुट कर सकते हैं या फिर रख करके बाद में कैंसिल भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस फोर के, देखिए m1 और ये माइनस के m1 का मान, फिर 2 इंटू m2 तो 2 फोर के अपॉन माइनस के प्लस 2k, तो ये आपको मिल जाएगा ज़ीरो। इसी तरीके से y इक्वल टू माइनस टू एम वन प्लस एम टू डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू, एम वन का मान है माइनस के, एम टू का मान है 2k, फिर 2 इंटू एम वन तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा 2k प्लस एम टू अगेन 2k, 2k 2k 4 और ये 2k माइनस के 1, तो इस तरीके से आपको मिल गया 4। और बिंदु Z जो है ये है 5m1 प्लस 3m2 अपॉन m1 प्लस m2, 5 इंटू m1 और m1 का मान है माइनस k तो मिल जाएगा माइनस 5k प्लस 3 इंटू m2, 3 टू जा 6, 3 दूनी 6 तो ये मिल गया और फिर माइनस k प्लस 2k। सॉल्व करेंगे तो 6k माइनस 5k k और 2k माइनस k k इक्वल टू 1। तो जो बिंदु का निर्देशांक निकालना था, जो हमने बिंदु P माना था, ये है 0 4 1 है।